जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास में लगे हुए आइकॉन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। संगत जी, अगर आप अपने सत्संग हमारे चैनल पर, गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या अपने सत्संग रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम उनको अपलोड कर सकें। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक ऐसा सत्संग है कि आप खुद हैरान होंगे और खुद गुरु जी का बहुत शुक्राना करेंगे कि गुरु जी आपने हमारे को इस एज में अपनी संगत बनाया। ये संगत हमारी दादी का है, जिनको हम प्यार से दादी कहते हैं सूरत में। उनको 70 साल की उम्र में गुरु जी ने अपनी संगत बनाया। 70 साल की उम्र में वो गुरु जी से जुड़ी। कैसे जुड़ी वो सब अपना सत्संग वो खुद सुनाएंगी, आप ध्यान से सुनिए। संगत जी, गुरु जी की हम पे इतनी रहमत है कि हमारे बच्चे इस उम्र में गुरु जी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। और आप अंदाज़ा लगाइए, दादी को 70 साल की उम्र गुरु जी ने संगत बनाया अपनी। संगत जी, हम कितना भी शुक्राना करें उस मालिक का उतना कम है। तो चलिए दादी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। चलो, जय गुरु जी। मेरा नाम सरोज कुमारी है। मैं थानू एक अपना सत्संग सुनानी हाँ। जलंधर च रविंदर जी दिल्ली तो आए थे सत्संग करने वास्ते, तो सानू किसी सत्संगी का फोन आया कि तुसी चलना। असी क्या, आशु ने कहा असी सारे जावांगे। असी अपनी गड्डी च गए, वो अपनी गड्डी च गए। जब अस उत्थे पहुंचे तो सीढ़ियाँ बहुत उच्चिया सी। मैं क्या किदा जावांगी, आशु सीढ़ियाँ किदा चढ़ांगी। कहती मम्मी चढ़निया तो पैनिया हूँ। मैं क्या जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करते सारिया सीढ़ियाँ चढ़ गई। उपर जाके मत्था टेकिया तो एक लेडी आई, मैंने कहती माता जी तुहानू पिछे ना कुर्सियाँ से बिठा दिने। मैं क्या, मैं दिल च क्या गुरु जी मैनू पिछे बिठाती पई है, मैं सुनता भी नहीं, मैं उन्होंने अरविंद जी का सत्संग भी नहीं सुनेगा। इन्नी देर थोड़ी देर बाद मैं गुरु जी कुछ करो, तो फिर मैं कहती माता जी तुम अगे बिठा रहे। मैं क्या होर की चाहिए मैनू, और मैं रविंदर जी बैठे विचकार गुरु जी का दरबार लगा, उस तो अगर चार कुर्सियां सगिया, उन्होंने तीन च बैठिया से लेडी, एक च मैनू बिठा गई। मैं क्या बहुत अच्छा होया, मैनू सत्संग भी सुनाई दिता, मैनू भजन भी सुनाई दिते। आराम ना मैं चाह पानी पिया, लंगर खाधा, तो आशु मैनू लैन आई, कहती मम्मी तुस तो बड़े अगे बैठे, सन तो पिछे बिठाया सी। मैं क्या मैंने तो गुरु जी की कृपा हुई अगे बिठाता। इन्नी देर मैं एक ब्रेसलेट मिलया, तो एक गुरु जी का सरूप मिलया। वह लैके असं जो घर जान लगे, फिर मैं गुरु जी के अगे मत्था टेकिया, गुरु जी मैं सीढ़िया तो चढ़ गई सी थोड़ा ना लै लैके, हूँ मैं उतरना बहुत मुश्किल लगता, तुम मेरी बह फड़ के मैं उतारियो, मैं नहीं उतर सकती। इन्नी देर सीढ़ियां को गए तो आदमी कहते माता जी सीढ़ियाँ क्यों उतार दे, इन्होंने लिफ्ट च लैके जाओ। तो मैं क्या वाह गुरु जी मेरी तुसे सुन ली, मैं लिफ्ट से सहारन लगे, दो मिनट च मैं उतर जावगी। असि थले उतर गए आराम ना। मैं गुरु जी का शुकराना किया, गुरु जी थोड़ा बहुत बहुत शुकराना, जय गुरु जी।